अच्छा, अगर थोड़े टाइम और करेक्शन कंटिन्यू होती है, एक एवरेज क्या एक व्यू बनाना इस वक्त चाहिए कि कितने और क्वार्टर्स का पेन इंडियन मार्केट्स देख सकती हैं? क्या हम सेकेंड हाफ में बेटर पोजिशन होंगे? प्रियंका, देखिए, जो 18 महीने में जो एक तरफ से कंसोलिडेशन हुआ है मार्केट, ये एक तरफ से एक लंबी अवधि का कंसोलिडेशन है, और यहाँ से बहुत ज्यादा टाइम करेक्शन या वैल्यू करेक्शन का एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन हो सकता है, मार्केट्स आर ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल। उसके लिए एक ऑप्शन ओपन रखना चाहिए, हो सकता है करके, लेकिन ये भी नहीं है कि वो बेस केस अजम्पशन होना चाहिए। बेस केस तो यही है कि ये वैल्यूएशन पे अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं और 3 से 5 साल का आउटलुक रखते हैं तो उनके लिए तो एक अच्छा वैल्यूएशन जोन आ चुका है। इसके लिहाज से आने वाले दिन पर्टिकुलरली किस सेक्टर के लिए अच्छे लगते हैं? क्या आपको लगता है डोमेस्टिक ग्रोथ डिपेंडेंट सेक्टर्स पर नजर होनी चाहिए, और अगर हाँ तो फिर कौन से स्पेसेस हैं जिसे आप वॉचआउट करेंगे? बिल्कुल मानसी, जो डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स है वो जरूर ग्लोबल ग्रोथ डिपेंडेंट जो सेक्टर्स है उससे बेहतर करेंगे, जैसे कि बैंकिंग, ऑटो, सीमेंट और कभी कई सारे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स जो हैं जो डोमेस्टिक डिमांड पे डिपेंडेंट है और जहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन का एक तरफ से जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो भी कम होते हुए नजर आएगा। ये सभी क्षेत्रों में हमें लगता है कि अर्निंग जो मोमेंटम रहेगा वो ग्लोबल डिपेंडेंट सेक्टर से बेटर रहेगा, और हमें लगता है कि यही सेक्टर्स पे आउट परफॉर्मेंस भी शायद आपको देखने मिले।